मेरी संस्कृति धन धरती और धर्म ये तीनों खतरे में है। तब पता चलेगा कि लव जिहाद किसको कहते हैं। पहले तो लड़कियों का होता था, अब लड़कों का भी हो रहा है लव जिहाद। सशक्त संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, बटोगे तो कटोगे। ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हिंदू एकजुट हो, इसको कुछ लोग बात। भाई जिनको एतराज है मेरी बात से, मैं उनसे निवेदन करता हूं 10 दिन आकर के कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में रहें, तब पता चलेगा कि लव जिहाद किसको कहते हैं। पहले तो लड़कियों का होता था, अब लड़कों का भी हो रहा है लव जिहाद। किसको कहते हैं लैंड जिहाद, अगर देखना हो। थूक जिहाद तो आपने सुन ही लिया, शिक्षा जिहाद भी मेरे बेगूसराय में। तो होता क्या है, अगर मेरी संस्कृति धन धरती और धर्म ये तीनों खतरे में है, आप आकर के देखें, पता करें। इसीलिए आज हम हिंदुओं से कहने आ रहे हैं या हैं, घूम रहा हूं, धर्मो रक्षित रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, सब मिलकर के रहो। तो सशक्त संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, बटोगे तो कटोगे। गिरिराज सिंह का दर्द है जो सामने आ रहा है, बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल, आप जिनको नहीं समझ में आता है वो हमारी बात आकर के खुद देखे। लोग तो ये कह रहे हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, गिरिराज सिंह बेरोजगारी को क्यों नहीं निकालते हैं, यात्रा क्यों नहीं निकालते हैं। बेरोजगारी पर जब बोलता हूँ तो किसी की जुबान नहीं। मैंने कहा है और काम कर रहा हूँ, और मोदी सरकार बेरोजगारी पर ही काम करता है। आपको नहीं लगता है कुछ लोग जो आपके साथ हैं सरकार में या साथ काम करते हैं, वो लोग भी इस यात्रा से अपने आप को लगता है? देखिए, ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इसमें आरजेडी के भी हिंदू हैं, इसमें कम्युनिस्ट के भी हिंदू चल रहे हैं, इसमें जदयू के भी हिंदू हैं, इसमें लोजपा के भी हिंदू हैं, जितने राजनीतिक दल हैं जिनको ये पीड़ा है कि हिंदुत्व को एक होना चाहिए, वो सब घूम रहे हैं। ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये कोई राजनीतिक दल की यात्रा नहीं है। अब चिंता ना करें, धीरे धीरे देखते चलें।